हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे सूजी का चीला, वो भी पैन में और तवे पर दोनों में। ये बहुत ही जल्दी बनने वाला ब्रेकफास्ट है, एक बार आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 कप सूजी ली है और ये 1 कप दही लिया है, इसको मैंने मिक्स कर लिया है। दही को इसमें ऐड कर दूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। देखिए दही मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। अब मुझे इसमें ये पानी ऐड करना है। देखिए ये थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें पानी ऐड करें और एक थिक सा बैटर बना लें। ये देखिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। ये देखिए मुझे ऐसी कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए, लेकिन अभी क्या है सूजी है ये पानी पिएगी, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। ये मेरा 2 गिलास पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो इसको मैं मिक्स कर दूँगी अच्छे से। अब देखिए मैंने ये कुछ सूखे मसाले लिए हैं जो कि इस तरीके से हैं। ये 1/2 चम्मच मैंने पिसी हुई मिर्च ली है, 1/2 चम्मच भुना और कुटा हुआ जीरा लिया है, 1/2 चम्मच कुटा हुआ धनिया लिया है, टेस्ट के हिसाब से नमक लिया है और 1/4 चम्मच मैंने हल्दी ली है, इसको भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको भी मिक्स कर लूँ। देखिए मैंने इसको ये अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको ये ढक करके 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूँगी, तब तक हमारी सूजी फूलेगी। अब मैंने ये कुछ सब्ज़ियाँ ली हैं, जैसे मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 1 शिमला मिर्च ली है, 2 टमाटर हैं और 4 हरी मिर्च ली हैं। मैं इनको काट लेती हूँ। देखिए मैंने चॉपर की हेल्प से मैंने सभी सब्जियों को चॉप कर लिया है। अभी हमारी सूजी को भी 10 मिनट हो चुके हैं, इसको खोलते हैं, इन सभी सब्जियों को इसमें ऐड कर देते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं। इस सभी सब्जियों को मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। अब हम इसके चीले बनाते हैं। मैंने पे अपना पैन गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा ये ऑयल ऐड कर दूँगी। और इसको इसके चारों तरफ फैला लूँगी। हमारा पैन गर्म हो चुका है। अब मैं चम्मच की हेल्प से बैटर लूँगी और थोड़ा थोड़ा करके बैटर इस पर ऐड कर दूँगी। ये छोटे छोटे चीले बना लूँगी। मेरे पास ये पैन है तो मैंने इसमें बना लिया, आप इसको तवे पर भी बना सकते हो। मैंने फ्लेम को लो रखा है, लो फ्लेम पर ही हम इनको फ्राई करेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा सा ऑयल इस पर ऊपर भी ऐड करूँगी। देखिए इस तरीके से आप किसी चम्मच की हेल्प से भी इस पर तेल लगा सकते हो। देखिए एक साइड से ने करीब 1.5 मिनट हो चुका है। अब मैं इसको पलट लेती हूँ। देखें इधर से कितने अच्छे सिक चुके हैं। देखिए दूसरी साइड पे हमें करीब 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इनको इधर से भी चेक कर लेती हूँ। देखें इधर से भी सिक चुकी हैं। मैं इनको प्लेट पे निकाल लेती हूँ। अब दोबारा इसी तरीके से हल्का हल्का सा तेल ऐड करेंगे और एक चम्मच की हेल्प से थोड़ा थोड़ा सा बैटर लेकर के इसे फैला देंगे। देखिए आप ये पतले पतले ही बनाएं, अगर आप ज़्यादा मोटे बनाएंगे तो ये अंदर से थोड़े कच्चे रह जाएंगे और सिकने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब इनको सिकने देते हैं। देखिए मैं आपको तवे पे बनाना भी बताती हूँ। मैंने इधर तवे को गर्म करने के लिए रख दिया है। इस पर थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसको सब तरफ फैला देंगे। देखिए मेरा तवा गर्म हो चुका है ना। अभी देखें चम्मच से थोड़ा थोड़ा सा बैटर लेंगे और इस तरीके से इसको ये फैला लेंगे। हम चाहें तो इस चीले को बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने छोटे छोटे बनाए। इसी तरीके से आसानी से जितने भी चीले इस पर आ जाएं उतने हम बना लेंगे। इसको भी लो फ्लेम पर ही सेकेंगे
भी थोड़ा थोड़ा सा तेल इनके ऊपर भी ऐड कर देंगे। इसको फैला देंगे। देखिए इनको 2 मिनट हो चुके हैं, अब इनको भी हम पलट देंगे। इनको भी पलट लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से हमारे चीले बन करके रेडी हो चुके हैं। हम फिर से पलट लेते हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारे ये सिक चुके हैं। हम इनको भी पलट लेते हैं। ये भी इधर से परफेक्ट है। ये इधर से भी सिक चुके हैं। अब हम इनको भी हटा लेते हैं। सिकने देंगे। ये देखिए इधर से भी सिक चुके हैं ये। अब इनको भी हटा लेंगे। इसी तरीके से हम अपने सारे चीले रेडी कर लेंगे। ये देखिए 10 मिनट में हमारी सूजी के चीले बन करके रेडी हैं। आप भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय, अल्लाह हाफिज़।